हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो हाल ही में नासा के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसकी हेल्प से जो प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स हैं उन सबको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो ये फर्स्ट मिशन होगा जिसकी हेल्प से जो प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स हैं उन सबको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया। हाल ही में नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया एक्सियोम स्पेस के साथ में। एक्सियोम स्पेस जो कि एक प्राइवेटली फंडेड स्पेस स्टार्टअप है, जो बेसिकली यूएसए के टेक्सस में एक जगह ह्यूस्टन वहां पे ये बेस्ड है। तो ये जो फ्लाइट होगी जनवरी मंथ में 2022 के जनवरी मंथ में इसको लॉन्च किया जाएगा, जो स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल है उसकी हेल्प से। और इस मिशन को नाम दिया गया एक्सियोम मिशन फर्स्ट या AX-1। और इसके क्रू मेंबर्स में टोटल 4 पर्सन होंगे, जैसे कि माइकल लोपेज अल्जेरिया, लैरी कॉनर, मार्क पैती या फिर ईटन स्टेबे। तो इन चारों को इस फ्लाइट की हेल्प से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। अब इसके खर्चे के बारे में अगर हम बात करें तो एक्सियोम जो स्पेस है उसके द्वारा कई सारी जो सर्विसेज हैं, जैसे कि क्रू की सप्लाई, कार्गो की डिलीवरी स्पेस स्टेशन में, या फिर स्पेस में जो स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी यूज होंगे डेली यूज के लिए, उन सबको परचेज किया गया एक्सियोम स्पेस के द्वारा नासा से। और नासा के द्वारा यहाँ पे परचेज किया जाएगा जो एक्सियोम के ये क्रू मेंबर्स हैं, इनके द्वारा जो भी वहाँ पे साइंटिफिक सैंपल्स लिए जाएंगे, जो भी रिसर्च वहां पे की जाएगी, उससे जो डाटा कलेक्ट होगा उस डाटा को नासा के द्वारा परचेज किया जाएगा। और इसमें नासा और एक्सियोम तो पे कर ही रहे हैं, बट उसके अलावा जो ये फ्लाइट के मेंबर्स हैं, 4 क्रू मेंबर्स, इनके द्वारा भी पर पर्सन यहाँ पे $55 मिलियन के आसपास में अमाउंट पे की गई है। और इन चारों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन तक का स्टे नासा के द्वारा अलाउ किया गया है, कि 8 दिन तक ये वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, अपना डाटा वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। और ये पूरा जो क्रू होगा इसको स्पेस एक्स का जो क्रू ड्रैगन कैप्सूल है उसकी हेल्प से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुँचाया जाएगा, जिसको बेसिकली नासा का जो एक स्पेस सेंटर है, कैनेडी स्पेस सेंटर, जो कि फ्लोरिडा लोकेटेड है, वहां से इस रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा, जिसकी हेल्प से ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच पाएंगे। अब यहाँ पे कई सारे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं या फिर प्राइवेट लोग जो हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में या फिर स्पेस रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन सब में काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। तो इसका मेन रीज़न यहाँ पे एक जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो आने वाले कुछ पीरियड में, कुछ सालों में ही रिटायर होने वाला है। उसके साथ साथ जैसे रशिया वगैरह के द्वारा ऑलरेडी ही अनाउंस कर दिया गया है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके एग्रीमेंट से वो मूव आउट करेगा 2024 में, जब ये एग्रीमेंट खत्म होगा। और रशिया जो है करंटली अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाने की भी कोशिश कर रहा था। ये स्पेस स्टेशन या फिर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये सब क्या है उससे रिलेटेड वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जब रिटायर हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में नासा के द्वारा जो कमर्शियल एक्टिविटीज है या फिर प्राइवेट एक्टिविटीज जो है उन सब के लिए धीरे धीरे इसको ओपन किया जा रहा है। अब इंडिया के रेस्पेक्ट में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इंडिया के द्वारा भी अभी यहाँ पे प्लानिंग की जा रही है उसका जो खुद का स्पेस स्टेशन हो उसको लॉन्च किया जाए, और जल्द ही इसको लॉन्च किया जाएगा। ये बेसिकली इंडिया का जो गगनयान का मिशन है उसका ही एक एक्सटेंशन होगा, जिसको कि 400 मीटर की हाइट पे सेट वहां पे किया जाएगा। इसका जो टोटल वेट होगा वो अराउंड 20 टन के आसपास में होगा। यहाँ पे जैसे माइक्रो ग्रेविटी के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उन सबको परफॉर्म किया जा सकेगा, बट यहाँ पे जो स्पेस टूरिज्म है उसके लिए इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को यूज नहीं किया जाएगा। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नासा के द्वारा हाल ही में जो प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक मिशन को साइन किया गया, एक एग्रीमेंट एक्सियोम स्पेस के साथ में जो साइन किया गया उसके बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग and have a good day.